दूसरे कोई कहेंगे आप बड़े संत हैं और आप फूल गया, गोल हो गया, गोल मटोल हो गया, ऐसा नहीं है, लज्जित होना चाहिए। जी 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 जी, अभी भी हमारा भगवत दर्शन नहीं हुआ, अभी भी मन में कामना का स्रोत बह रही है, अभी हमारे अंदर मान प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा इसको हम पोषण कर रहे हैं और हम हमको साधु कह रहे हैं, हम उसमें हर्षित हो रहे हैं। सुख माने इंद्रिय भोग विषय, वो वस्तु प्राप्ति होने से वो भयभीत हो जाता है जी, ये हमको बंधन कर लेगा, हमको फंसा लेगा, प्रभु हमको बचाओ बचाओ बचाओ। दुख से अनंत विघ्न बना, उद्वेग नहीं, दुख आने से घबराते नहीं, ये प्रभु की इच्छा। हमको शोधन के लिए प्रभु ऐसे परिस्थिति हमारे सामने ला रहे हैं, ये हमारे लिए मंगलकारी है, इस पे कोई जरूर प्रभु का कोई मंगल कृपा हस्त है इसमें, ऐसे जान करके दुखेशु अनंत विघ्न मना, और सुखेशु सुख आने से घबराते नहीं है, सुखेशु विगत प्रिया, ये सुख, ये क्या सुख है, क्या हमको भगवत प्राप्ति हो रही है, भगवत दर्शन हो रहा है, किस विषय किस कारण सुख, कौन सा सुख आया है हमारे सामने, भोग्य पदार्थ ये तो हमारे दुख का कारण है, इसको दुख का नामांतर है, देखने में सुख लगता है, ये तो हमारे पतन का कारण है ना। तो तितिक्षु सुख दुख हर्ष विषाद मान अपमान, कोई सम्मान करता है तो कोई प्रशंसित हो जाते हैं, अरे बाबा इतना संत हमारी कितना प्रशंसा कर रहे हैं, अरे कितना माला पहना रहे हैं, अरे कितना दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये परीक्षा का विषय है, साधु को चिंता करना चाहिए, क्या स्थिति में तुम हर्षित हो रहे हो, तुमको आनंद हो रहा ना लज्जित हो रहे हो, अगर आनंद है तो समझ लेना तुम्हारे भीतर अहंकार है, ये तुम्हारे पतन का कारण है, ये तुमको मिसगाइड कर रहा, तुमका भजन राज्य से हटा करके तुमको अलग कहीं ले जा रहे हैं, तुम विपदगामी हो रहे हो, सावधान हो जाओ। लेकिन कहाँ परीक्षा, हम उसमें बह रहे हैं, आनंद लगता है, रास्ते में चलते हैं, वाह कितना बड़े महंत संत आ गए हैं, चलने का तकनीक ही बदल जाता है, तो ऐसी बात है ना, ये परीक्षा का विषय, दूसरे कोई कहेंगे आप बड़े संत हैं और आप फूल गया, गोल हो गया, गोल मटोल हो गया, ऐसा नहीं है, लज्जित होना चाहिए। जी 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 जी, अभी भी हमारा भगवत दर्शन नहीं हुआ, अभी भी मन में कामना का स्रोत बह रही है, अभी हमारे अंदर मान प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा इसको हम पोषण कर रहे हैं और हम हमको साधु कह रहे हैं, हम उसमें हर्षित हो रहे हैं। हमारे मानव जीवन का सवाल है, दिन बीत जा रहा है, हम इसी में मस्ती में हम दिन व्यतीत तो कर रहे हैं, निर्लज्ज होकर के, हमें कोई लज्जा नहीं। तो तितिक्षु कारुणिका, कारुणिका माने सब प्राणियों के प्रति सद्भावना, सबके मंगल के लिए हृदय में ऐसे इच्छा कामना, हे प्रभु सबका भला करो। कारुणिका दूसरे का दुख देख करके उस दुख दूर करने का नाम करुणा। करुणा किसे कहते हैं, दूसरा का दुख देख करके, दूसरा माने निर्विशेष, हमारे प्रियजन का दुख देख करके दुख दूर करने के लिए तो हमारी इच्छा होती है, वो नहीं, जो हमको देश करती है उसका भी, वो दुख दुख करके हमारे हमको देश करता है, लेकिन वो भी दुखी है तो वो दुखी हो, बेचारा बहुत दुखी है, ऐसे भावना निर्विशेष कारुणिक, इसको कहते हैं करुणा। दूसरे का दुख देख करके उस दुख दूर करने का जो इच्छा, उसको कहते हैं करुणा। एक करुणा का बहिर प्रकाश जो है उसको कहते हैं दया। दया दिखता है, करुणा दिखता नहीं है। करुणा जब क्रियाशील होती है तो उसको दया कहते हैं, और बड़ा दयालु है, उनके अंदर करुणा है इसीलिए हमको दया दिखता है। दया है बहिर प्रकाश और अंत प्रकाश है करुणा। बहिर प्रकाश दया, अंत प्रकाश करुणा। सुड़ित सर्वदेही नाम, सब जीव प्राणी मात्र सबके सुड़ित, सबको भला चाहते। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु है नहीं, शत्रु है नहीं, नहीं शत्रु तो मनुष्य मात्र शत्रु है, लेकिन वो किसी को शत्रु समझता नहीं है, जो हमारा कोई दुश्मन है, ये है अजात शत्रु। अजात शत्रु माने कि उसको दुश्मन, भगवान कृष्ण का कितना दुश्मन था,
रामचंद्र कभी बदनाम करने के लिए एक धोबी। रामचंद्र जी ये सृष्टि में अगर पहले या पीछे रामचंद्र जी के जैसे ऐसे निर्दोष कोई चरित्र संसार में ना अतीत में कोई कभी हुआ है ना भविष्य में कभी हो सकता है।